नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त मुजफ्फरनगर में और ये काफिला यहां से गुजर रहा था तब मैं भी रुका। जयंत चौधरी जो बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आरएलडी प्रमुख हैं, वो मुजफ्फरनगर आए हैं और उनके साथ उनके समर्थकों का काफिला यहां से किसी खास इलाके में किसी सभा के लिए जा रहा है। और मीरापुर एक विधानसभा है मुजफ्फरनगर जिले की, वहाँ के जो विधायक थे जो गठबंधन में 2022 में जीते थे चंदन चौहान, वही इस बार सांसद चुकी बने हैं बिजनौर से, इसलिए मीरापुर में उपचुनाव भी होना है। तो मुजफ्फरनगर जिले की भी एक सीट है जहां उपचुनाव होना है। और इस बीच आपको पता है कि मुजफ्फरनगर में किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश हुई, या जिस तरह से सरकार के फरमान के बाद नाम के पोस्टर बैनर लगाने को मजबूर किया गया। तो मैं जरा कुछ आरएलडी नेताओं से या आरएलडी के कार्यकर्ताओं से यह समझने के लिए रुक गया, लेकिन जब तक यहां मैं पहुंचा तब तक उनका काफिला रवाना हो रहा था। जयंत चौधरी से यहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि आपको लगता है कि ये फैसला वापस होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी राय तो है कि वापस होना चाहिए, लेकिन कई बार जब फैसला ले लिया जाता है तो उस पर लोग अडिग रहते हैं। जैसा मैंने सुना, जब तक मैं कोई सवाल पूछता तब तक संक्षिप्त में कुछ बात करके यहाँ से वो निकल लेता हूँ। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अभी मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा, पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी 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 ऐसा हो जाता है, सरकार वापिस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है, जो चॉइस से लगा रहा है जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि भी तो निश्चय को करेगा नहीं, नो जब ही तो जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब, मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी है। पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर की दुकान लगाओगे अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना, देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। लेकिन आप उनके कुछ समर्थक, आप आरएलडी से जुड़ी हैं? बिल्कुल। क्या है आरएलडी में? मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, रोमाना अगर मेरा नाम है। तो रोमाना, आप राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी, माफ करें आरएलडी की, और जयंत चौधरी ये भाईचारा सम्मेलन और ये सब करते रहे थे 2021-22 में, हिंदू मुस्लिम एकता सभाएं, अब जो हो रहा है ये भाईचारे को पलीता लग रहा है या सही हो रहा है मुजफ्फरनगर में? नहीं, मुजफ्फरनगर में तो सही हो रहा है भाईचारे को लेकर के, सही हो रहा है। मतलब ये जो नाम वाम चिपकाए जा रहे हैं, नहीं, नाम का तो इसका तो मैं समर्थन नहीं करती हूँ, नाम नहीं होना चाहिए। बाकी तो ये जो हो रहा है कि सब नाम चिपकाओ, बहुत सारे ढाबों पर बड़े बड़े ढाबे के बैनर बदल के कहा गया तुम अपना नाम इस्माइल लिख लो और मोहम्मद हादी लिख लो, वो गलत है। फल वालों को कहा गया तुम नाम लगाओ, ये सही है? नहीं, ये इस निर्णय से मैं पार्टी इस पर विरोध तो खुलकर कर नहीं, नहीं अभी करेंगे जयंत जी भी, और उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनका भी बयान आया कि नहीं ये सही निर्णय नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से, इधर आइए भाई साहब, एक मिनट रुकना जरा, कुछ बात करें आपसे। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तंजुम भाई, कैसे हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम। जियाउर रहमान, आप दोनों आरएलडी में हो? जी, प्रदेश महासचिव भी हूँ। तो अभी जयंत चौधरी से मैं तो इधर से गुजर रहा था, देखा जब तक उनका छोटा सा संक्षिप्त संबोधन करके यहाँ से चले गए। तो चूंकि आप आरएलडी के नेता हो, जयंत चौधरी भाईचारा के बड़े मुखर समर्थक रहे, 21-22 में तो सभाएं कर रहे थे, भाईचारा जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, सद्भावना जिंदाबाद, वही क्या है उन्होंने, अब क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, धैर्य रखिए। जो यहाँ हो रहा है मुजफ्फरनगर में और जो कहा गया पर्चे लगाओ नाम के ठेले पे असरार निसार, और ये सही है कि नहीं, ये बताओ आप। देखिए, ये तो प्रदेश सरकार की नीति है, उसी के उसमें उन्होंने अपने नीति के हिसाब से वो काम किया है ताकि आने वाले लोगों की सुरक्षा रहे और वह अपना सही आराम से इस सफर को तय कर। मतलब फल वाले को कह दिया गया कि तुम नाम लगाओ आम के ऊपर निसार और उसको जफर और उसको अफजल, और सामने अगर वो दुकान का नाम, ढाबे का नाम कुछ डिलाइट था, उसको कह दिया लिख दो हादी, मोहम्मद हादी है, आपको लग रहा है सही है? देखिए, इस बारे में मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि एक मंशा जो प्रदेश सरकार की है वो अपना साफ करना चाहती है उसमें। नहीं, आप अपनी मंशा बताओ ना, उन्होंने साफ कर दी, बीजेपी के नेता ढिंढोरा पीट रहा है, बहुत सही किया। आप अपनी मंशा बताओ।
फंस गए ना? नहीं फंसा नहीं, ये बिल्कुल मैंने सरासर गलत किया है जो किया है। तो गलत किया तो आप गठबंधन में हो, आप समर्थक समर्थन दे रहे हो बीजेपी? हमारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खंडन किया, हमारे खंडन किया तो उन्होंने सबने सब उनके मुखालफत कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी खाली बयान है। बताइए बॉस, आप जयंत चौधरी भाईचारे के मुखर समर्थक, जाट हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में इतने इतनी सभाएं क्या करते थे, आज इसी मुजफ्फरनगर में चौधरी साहब की जमीन पर, इसी मुजफ्फरनगर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के ठेले पर भी पर्चे लगे, हालांकि कहा गया सबको लगाना है, लेकिन मकसद और मंशा आप भी जानते हैं, क्या सोच रहे हैं? सही है, ये भाईचारे को खत्म करने की एक मुहिम है। हाँ। भाजपा बौखलाई हुई है, जो प्रदेश में हारी है। हाँ। इससे फालतू कुछ नहीं है, भाजपा बौखलाई हुई और उसी भाजपा के साथ आप चिपके हुए हो? नहीं, हम तो इसका खंडन कर रहे हैं, बराबर भाईचारा कायम रखेंगे इस सरजमे पे। कैसे कायम रखोगे? जैसे चल रहा है, केंद्र में मंत्री जैन जी हैं, वो खाली बयान दे के निकल लिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष निकल लिए, तो लाठी तो चला सकते हैं हम? नहीं, विरोध करना चाहिए कि भाई विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध कर रहे हैं हम। आपको ये कहना चाहिए हमारा नेता विरोध कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी विरोध कर रहे हैं, हम खुद विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाईचारा की जो यहाँ से मिसाल है वो कायम रहेगी, और किसी की औकात नहीं है कि मुजफ्फरनगर का भाईचारा खत्म कर दे, क्योंकि 13 देख चुके हम लोग, 13 देख चुके, उसके बाद जो यहाँ फिर वही माहौल बन रहा है, तो भाई ऐसा नहीं होगा। चलो एक बात बताओ, नाम फिर से बताओ अपना। सालिम त्यागी नाम है। सालिम त्यागी जी, ये बताओ, अगर जैन चौधरी आज गठबंधन के साथ होते, मतलब अखिलेश और इधर होते, बीजेपी के अलग होते, तो जैन चौधरी ऐसे ही 40 सेकंड का बयान दे के चले जाते और आप लोग के मुंह बंद होते और ऐसे ही आप कहते हैं हम भाईचारे के साथ थे? बताओ। नहीं, भाईचारा तो हमेशा कायम रहेगा। हाँ, लेकिन कायम रहेगा तो कुछ हो नहीं रहा ना। उन्होंने तो खराब किया है भाईचारा। किन्होंने? अखिलेश यादव जी ने। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने खराब किया, वरना हमारे तो अध्यक्ष जी आराम से भाईचारे में थे, पहले अखिलेश जी बड़े अच्छे थे। नहीं, हमारी ये कभी अच्छे नहीं हुए। और जैन चौधरी बोलते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, 25 साल का राजनीतिक सफर है, कभी पलट गए, कभी आज तक समाजवादी की मैंने कोई जैनी की कोई वोट नहीं दिया समाजवादी। जैन चौधरी बोलते थे मैं चवन्नी, समाजवादी की नीतियों के खिलाफ हूँ, क्योंकि उसने भाईचारा तोड़ रखा है। सही बात है। उन्होंने एक तरफ, जब आप हमें उन्हें हमारे हिंदू भाइयों की तरफ आप इशारा करें तो कम से कम अपना अपनी तरफ भी इशारा करें, बीजेपी की तरफ। हम बीजेपी से मतलब यह है, बहुजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप इशारा करें, कहीं ना कहीं उसमें अखिलेश भी शामिल है। मान्यवर, इस खाए को पैदा करने में, जिस खाए को पैदा करने में कहीं ना कहीं अखिलेश भी शामिल है। तो फिर तो जैन चौधरी कहते थे ना, मैं चवन्नी नहीं हूँ कि पलट जाऊँ, वो चवन्नी हो गया ना। पचकनी दे तो दी किसको? अखिलेश को? नहीं नहीं, चवन्नी नहीं हूँ पलट जाऊँ, मतलब क्या उनका ये कहना है? अखिलेश को अखिलेश की सरकार बनाने के जो सपने देख रहे थे ना, उसे पटकनी नहीं दिया। सुखेंद्र मलिक है? सुखेंद्र मलिक। मलिक साहब, ये बताओ भाई, जाट मुस्लिम एकता की बात होती रही, आप लोग भी मन में जान रहे, सब हंस रहे हैं कि मामला तो फंसा हुआ है, करें क्या? आप आरएनडी में है तो ये देखिए, सब नेता जिधर घुमाइए, सब फंसे हुए महसूस कर रहे हैं कि बोले क्या। ये सारे लोग अगर जैन चौधरी बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो ये सारे लोग बहुत मुखर होकर बोल रहे, तो एक बहुत गलत है, इसे वापस लेना चाहिए, न जाने क्या क्या बोल रहे होते। मुखरता गायब है क्योंकि मजबूरी सामने है। सही बोल रहे हैं ना, मजबूरी सामने है ना। देखिए, इन्होंने मौन व्रत ही धारण कर लिया। नाम पूछ सकता हूँ आपका? योगेंद्र भाटी। योगेंद्र भाटी जी, आप मौन व्रत पे क्यों? देखियो, आप लोग ही यहाँ कहते रहे मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता रहा, आप मोहब्बत की यहाँ मिसालें कायम करते रहे, और उस मोहब्बत को पलीता लगाया जा रहा है जब किसी आम वाले के ठेले पर नाम चिपकाया जा रहा है। और भाई साहब को दिक्कत नहीं है क्योंकि आज जैन चौधरी के साथ हैं, तो अब पक्ष तो बोल रहे हैं। आप कैसी मान लें, नहीं मजबूरी है? मजबूरी है, गलत है ना, तो मुखरता से विरोध होना चाहिए ना इसका। नहीं, कर तो रही है, वो तो बयान दे रहे हैं, खाली 40-50 सेकंड का बयान दे दिया, हो गया कहानी। नहीं नहीं, आप देखो, सभी प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, महासचिव दे रहे हैं, पत्रकार दे रहे हैं, दे तो रहे हैं बयान। नहीं नहीं, अब बयान के आधार पे तो चलना है सब। हाँ, बयान दे रहे हैं, ठीक है। आपका यूपी सरकार का गलत फैसला है। मेरा नाम अफरोज सैफी है और मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन जैन चौधरी जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है उससे ये साबित होता है कि आरएलडी कभी भी भाईचारा खत्म कर नहीं चाहती, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रह रही है प्रदेश में सरकार, लेकिन योगी जी का यह निर्णय बहुत गलत है। हमारे मुजफ्फरनगर में ऐसा कभी नहीं हुआ, 13 देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमने 2013 में बहुत कुछ झेला है, लेकिन यहाँ की जनता भाईचारे में कायम है, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है ना प्रदेश सरकार का, ये बहुत गलत है। लेकिन उस गलत भाईचारे में निर्णय, हमारे कांवड़िया भाई भी आज से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा, खास करके मुजफ्फरनगर में ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि ये नाम लिखने की, वो बताया पिछली जो सरकार रही है, चाहे वो बसपा सरकार हो चाहे समाजवादी सरकार हो,
और अब बीजेपी ही सरकार में ये निर्णय बहुत ही गलत एक तरीके से गलत है। लेकिन उसी बीजेपी के साथ आपके नेता जयंत चौधरी जी हैं, खाली बयान दे के यहाँ से चल उनका बिल्कुल जयंत चौधरी का जो स्टैंड है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन कुर्सी की मजबूरी है, केंद्रीय मंत्री बनना है, सरकार में मंत्रिमंडल है, लेकिन उनके ये बहुत बहुत गलत हैं। चलिए ठीक है, समझ सकते हैं। आपका शुभ नाम भाई सर? राजकुमार शर्मा। आप क्या हो आरएलडी में? मैं नहीं हूँ। क्या करते हो आप? आम नागरिक हूँ मैं। अच्छा, तो लेकिन समर्थक हो इसलिए यहाँ आए थे? नहीं, समर्थक भी नहीं है जी। तो अब देखिए, देखते देखते आरएलडी वाले सब कट रहे हैं दाएं बाएं से। भाई साहब, आप आरएलडी से हो? जी मैं तो आरएलडी से हो ना। अब देखो, अब ये बयान देने से भाग रहे हैं। नहीं, पर्चा बताओ, इतने चुप क्यों रहे हो? हाँ, वो लगती है। क्या सुन? मैं मोहम्मद उमर नाम मेरा, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान आपका ज्यादा फैन हूँ मैं, इसलिए आपके फोटो के लिए रुका हूँ मैं तो। शुक्रिया। और जो 10-20-25 लोग थे जब लगा कि ऐसे सवाल पूछ रहे, जो बचे थे वो भी दाएं बाएं से कट गए। हम तो हरिद्वार गए, हम तो रास्ते में रुके आपको देख के। लेकिन ये गलत हो रहा है ना, ये जो गलत है, और सरकार की जो नीति है ये बिल्कुल गलत है। पक्षपात की नीति कर रही है सरकार इस तरह के नाम अलाउड करने के लिए। जो फलों पर नाम कर रहे हैं, तो हर चीज पर नाम अलाउड होना चाहिए। जो हम ब्लड डोनेशन करता मुस्लिम, उस पर भी नाम डोनेशन हो रही है। किसी को ब्लड जो है, किसी को ब्लड डोनेशन, जो डोनेट कर रहा है मुस्लिम समाज, जो है किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे, उसे बता दे मुस्लिम डोनेट कर रहा है। मतलब आटा है, आटा जा रहा है, आटा पिस रहा है, तो उसमें होना चाहिए कि मुस्लिम जो है ये आटा बेक रहा है, उसकी रोटी नहीं खाया जाए जिससे कि भावनाओं को आहत पहुंचे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो सब ओपन होना चाहिए जो भी है। ये बहुत अहम बात इन्होंने कह दी, फिर से नाम बताओ जी। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर ने बहुत अहम बात कह दी। फिर ब्लड बैंक में अगर कहीं जाएं, यहाँ तो आप आम खाने से आपको दिक्कत है कि आम निसार और किसी जफर या असगर के ठेले पर आपको लेने से दिक्कत है, ऐसा माहौल बना रहे हैं। लेकिन जब ब्लड बैंक में अगली बार आपको प्लेटलेट और ब्लड की ज़रूरत हो, तो वही वो कह रहे हैं, फिर पहले ब्लड बैंक से चेक कीजिएगा जो डोनर है। हालांकि पता नहीं चलेगा ये जो डोनर है वो हिंदू है मुस्लिम या मुस्लिम है, क्योंकि फिर आपकी रगों में जो खून दौड़ेगा रंग लाल होगा, लेकिन आपके हिसाब से किसी मुस्लिम का हो सकता है। तो ये तो एक बात और है, जो हमारे बगीचे लग रहे हुए हैं, तो उस पर भी नाम होना चाहिए कि आम कौन खरीद रहा है, कहाँ से खरीदा, किसके बाग से खरीदा, वो भी एक हमारा ओपन होना चाहिए। यानी हर चीज़ जो है ओपन होना चाहिए। मुस्लिम से खरीद रहे हैं या ये देश को बर्बाद करने की नीति है, देश को तोड़ने की नीति है, और ये देश को तोड़ो अपना आप बताओ। तो ये बताओ, लग तो नेता रहे हो आप? मैं ग्राम प्रधान हूँ मैं। हाँ, तो नेता हो ही गए, तो आप समर्थक आरएलडी के हो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तभी आप यहाँ पंडाल में हो। अभी आप चूंकि ऐसा सवाल पूछ रहे हो इसलिए बच रहे, समर्थक एक नहीं आप बता दो। देखो बिल्कुल पीछे से बोल दिया। अब आप बताओ, देखिए ये तस्दीक हो गया कि आरएलडी के समर्थक है, नेता है आरएलडी के, अब ये थोड़ा सा छिप रहे हैं, बच रहे हैं। अब ये बताओ, जब आप बोल रहे हो गलत है, तो इसके मुखरता से विरोध जयंत चौधरी सिर्फ कुर्सी के चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, जयंत चौधरी बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं, जुबानी बोल रहे हैं, चले जा रहे हैं। जवानी बोल सकते हैं, लड़ते हैं, एकदम खूंटा गाड़ेंगे कि नहीं ये गलत फैसला, वापस लीजिए। वो कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष है अगर मैं सचिव है, अभी जल्दी मीटिंग होने वाली, परसों होने वाली, भी कहेंगे कि देखिए फैसला तो गलत है। जो है कार्यकर्ता मीटिंग है, और उसके फैसले में जो है जो गलत फैसला लिया उसके विरोध में खड़ी है लोकदल। इस बारे में अब आए ना आप लोग विरोध में खड़ी है, लोकदल खड़ी है, अब लोकदल पे आए, लोकदल खड़ी है, अब आए ना आप लोकदल पे। लेकिन लोकदल खड़ी नहीं है, लोकदल इस मामले पे बैठी है। लोकदल के लोग खाली बयान दे के काम चला रहे हैं। भाई आपको वोट चाहिए था मुसलमानों का, मिला भी। उसके बाद इसी मीरापुर से जो जीते चंदन चौहान, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज ने आरएलडी को वोट किया, वोट किया। और 2022 में जो मीरापुर से जीता आरएलडी कैंडिडेट चंदन चौहान, जो बिजनौर से सांसद हैं, उसमें वहां मुसलमानों के भी माहौल सीट है, वो भी मुस्लिम माहौल सीट है, ठीक है, तो वोट मिला 22 में। अब उन्हीं मुसलमानों के साथ यहाँ उनके माथे पे लिखने जैसी नौबत आ गई अगर कि आप सब ठेले पर लिखो, सोचो उस ठेले वाले का तो क्या। मुस्लिम समाज जो है लोकदल के साथ गया था, अगर इसका मतलब सही तरीके से विरोध नहीं हुआ पता, मुस्लिम बायकॉट कर देगा लोकदल से, मुस्लिम बायकॉट कर देगा अगर सही तरीके से आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि इस चीज का विरोध हो रहा है। और कैसे आवाज उठनी चाहिए बताओ जरा, समझे आवाज उठनी चाहिए कि जो नहीं बयान देके मजबूती से आवाज उठानी चाहिए जैन जी को, और अपनी मजबूती रख दी जिससे कि भाईचारा कायम रह सके। जैसे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम वोट पाकर जो है भाईचारे को कायम रखा, इसी तरीके से मतलब राजनीति में उन्हें भी अपना भाईचारा कायम रखने के लिए और विचारधारा नहीं बदलते हुए और उसमें बात पर कायम रखें, और इसे जो है कट ऑफ करना चाहिए चीज़। भाई ये तो है ना कि जयंत चौधरी की इतनी हैसियत तो है, केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी शाह से सीधा कनेक्शन है, तो ये एक बार बात कर लें कि भैया ये आदेश वापस होना चाहिए। अगर वो खूंटा गाड़ देंगे तो आदेश वापस हो सकता है, लेकिन वो खूंटा गाड़ना पड़ेगा ऐसे बयान देके जाने से। खूंटा गाड़ने को तैयार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जयंत जी ने तैयार है।
वो बयान देके चल दिए। जैनजी के साथ ही तो घूटा खाट गाड़ेंगे, अगर जैनजी नहीं आएंगे तो मीटिंग बुलाइए, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाइए, उसमें वो भी फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर मुखरता से विरोध नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज जो है अलग हटेगा लोकदल से, अलग हटेगा लोकदल। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद लुकमान, आप भी आरएलडी से जुड़े हो जी? तो ये क्या कहते हो ये जो हो रहा है? प्रधान जी ने कहा, बस वो सही कहा। नहीं, आपके भी अपने शब्द कुछ हो सकते हैं, जो शब्द ही है जो प्रधान जी ने बोले, जो इन्होंने कहा वो ठीक है। हाँ, मैं हाँ सेम बड़े हैं सब कुछ हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं प्रधान जी। लेकिन ये बताओ, ये कुर्सी की ऐसी मजबूरी हो जाती है कि सारा भाईचारा आपका कहाँ चला गया? जो 2021 में भाईचारा सम्मेलन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता, जाट मुस्लिम, वो कायम है, वो देखा आपने वोटों, वो कायम रहा। मुस्लिमों के साथ तो भेदभाव ही हो रहा है, लेकिन ये बहुत गलत है, आने वाले देश के लिए भी खतरा है। अब तो यूपी में आने वाले हर स्टेट में होगा, हर जगह होगा, लेकिन ये बहुत गलत है। यूपी सरकार को फैसले गलत। चलिए, अब तो बाकी नेता तो चले गए, तो हम वो कहाँ गए? हम वहीं जाते हैं अभी। हाँ, भोपा। कहाँ गए? भोपा, भोपा। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर साले लोग भोपा गए। चलिए हम भोपा चलते हैं। हम जयंत चौधरी जहाँ जा रहे हैं, गए हैं उनके साथ जितने लोग हैं, जरा सवाल पूछना चाहते हैं। हालांकि यहाँ भी मैंने जब तक सवाल पूछा तब तक चूंकि भीड़ थी, वो भीड़ में गाड़ी में चले गए, क्योंकि ये सवाल जयंत चौधरी से पूछा जाना चाहिए। ऐसा ना करते वो सर, अगर वे सरकार, पहली बात तो बीजेपी के साथ वे गठबंधन नहीं करते। किन चौधरी साहब की? अजीत सिंह की बात कर रहे हो? चौधरी अजीत सिंह, अजीत सिंह तो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, बाय द वे बीजेपी के साथ मंत्री भी रहे वो रहे उस टाइम में, लेकिन जैसी सिचुएशन अब है ना, वो इस सिचुएशन में गठबंधन नहीं करते, गठबंधन तोड़ देते। तो आपको फोटो काटते बिल्कुल। अरे इसी पे भी आना है चौधरी टिकेश साहब का भी, उन्होंने भी ये बोला है कि हम मुजफ्फरनगर में ऐसा होने नहीं देंगे बिल्कुल। तो आपको लगता है कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए इस मुद्दे? बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो। लोकदल की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अलग है, वो तो मजबूरी है गठबंधन किया हो, लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए। आरएलडी देखो, आरएलडी के कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज ने कितना वोट किया, आरएलडी को कोई पूछने वाला नहीं था यूपी में, समाजवादी सरकार के साथ गठबंधन करने पर जब आरएलडी को वोट मिली है, बस इतने का। आप कार्यकर्ता हो आरएलडी के? कब? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ आरएलडी का, मैंने छोड़ दिया जब से गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, हमने आरएलडी छोड़ दिया। जैन चौधरी सुन रहे हैं तो आप? नहीं, हमारा ऑफिस है यहाँ पे, हम सुनने आते हैं। लेकिन चलो ठीक है, अब जैसे ये इनकी नाराजगी सुना, आप तो कुछ अपने विचार बोलिए, कुछ तकलीफ आपके मन में है या लग रहा है ठीक है बयान वन दे दिया जैन जी ने? बयान नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं और सेंटर में बात कर रहे हैं, उधर योगी जी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वापस नहीं हुआ ये फैसला तो? फैसला वापस नहीं होता, ये इनका अपना धैर्य है जी, क्या करें। तो बहुत धैर्य है जैन जी में, जैन जी का अब वो अपने कुर्सी के लिए बहुत धैर्य है। तो देखो आप जाने, सत्ता के लिए तो बहुत धैर्य रखना भी पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं ना। ये देखिए हंस रहे हैं, इधर मुंह घुमा के प्रधान जी हंस रहे हैं, प्रधान जी मुंह घुमा के हंस रहे हैं, बहुत धैर्य है जैन जी में, बहुत धैर्य ना। कह रहे थे मुझे अपने साथ फोटो, मैं चौनी नहीं हूँ कि पलट जाऊंगा। हैं, चौनी वाला बयान सुना था कि नहीं आपने? बहुत चला था, चला था ना, आपने चलाया बहुत, हमने भी चलाया बहुत, तो उसका चौनी की तरह पलट भी गए, आपने चला था। क्या है भाई साहब, राजनीति जो है, राजनीति में जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। अब आप ये बता दो आपका लोकदल में पद क्या है? नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ ना कोई पदाधिकारी। अभी आपने लोकदल में नहीं बताया मैंने आपको, मैं ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा ठीक, हाँ, कोई बात, व्यक्ति तो अपने कोई काम है, मैं आपकी वजह से रुका हूँ। वाकई में अंजुमन जी, मैं आपसे जो है, नहीं ये सही बात है, हम हैं आपके फैन हैं, उसी वजह से यहां खड़े हैं, हम यहां किसी काम से आए थे, माननीय मंत्री जी भी कोई मतलब कार्यकर्ता नहीं है, ये भी कोई हम पे कोई पद। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, लोग चले गए, भोपा चले। भोपा किधर है? भोपा जो है अगला जो कट है भोपा का ही है। अच्छा चलते हैं भोपा, जरा देखते हैं वहाँ बात करें। फोटो कर दो भाई, इनका फोटो करो जरा, हम लोग भोपा चलेंगे, गाड़ी बुलवा लो अपनी। शर्मा जी फोटो ले लो। आप लोग भोपा नहीं जा रहे हो? सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, आप वापसी जा, चलिए हो गया। चलिए तो फिर हम चलते हैं, और मैं सवाल पूछना चाहूंगा आरएलडी नेताओं से कि इस मुद्दे पर सिर्फ बयान देकर वो रस्म अदायगी कर रहे हैं, सिर्फ बयान देकर औपचारिकता निर्वाह कर रहे हैं, या जिस भाईचारे का जिक्र करते हुए भाईचारा सम्मेलन करते रहे 2021-22 में जैन चौधरी, हिंदू मुस्लिम दलित जाट मुस्लिम एकता के नाम पर सद्भावना सम्मेलन करते रहे वो जैन चौधरी, क्या उस मुखरता से विरोध करते हैं इस फैसले का कि यूपी सरकार अपने फैसले को वापस ले, या सिर्फ बयान देकर बस? तो चलेंगे, जरा समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मुजफ्फरनगर से फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।